Hello Standard 4th, welcome in EVS lecture. This is our 19th lecture. In previous lecture, we have discussed one girl named Anita struggle for her life. Now today we are going to study some more about this girl. In previous lecture, we have completed up to this becoming a beekeeper. Means she had only 5,000 rupees with her and she has taken two boxes for keeping honeybee and remaining rupees she buy some sugar for making sugar syrup and some medicine for the cleaning of this bee boxes. Now today I am going to start from here. That was in September. By December I had so many bees that I had to buy two more boxes. That was in September. मतलब ये सब जो कुछ हुआ वो September में हुआ, लेकिन December तक क्या हुआ, उसके पास इतनी सारी bees हो गई कि उसने दो box और purchase किए, खरीदे. I was still learning about beekeeping. Many times the bee would stings me and my hands and face would get swollen. फिर क्या हुआ कि अभी तक भी मैं बी कीपिंग के बारे में सीख ही रही थी और बहुत बार ऐसे हुआ कि बी ने उसके हाथों पर, उसके मुंह पर उसको डंक मारे जिससे उसको swollen मतलब कि सूजन भी हो गई. It would pain a lot. How could I complain to anybody? I myself had decided to do this work. वो क्या बोल रहे हैं कि उसमें मुझे बहुत दर्द होता था लेकिन मैं किसको कंप्लेन करूं, क्योंकि ये काम करना मैंने खुद ही डिसाइड किया था. मतलब हम जो काम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, अगर उसमें कुछ दिक्कतें आती है तो हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर हमको लोग बोलेंगे कि भाई तू ही तो करने चले थे, अब हम क्या करें. इसलिए बेचारी किसी को बोल भी नहीं पाती है. लेकिन जब फिर हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वही लोग हमारे सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, ये भी चीज़ सही है. नाउ फाइंड आउट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी वर्कशीट के अकॉर्डिंग. व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग. आपके एरिया में अगर हनी बी ने काट लिया हो तो लोग क्या लगाते हैं? तो भाई आजकल तो हम लोग ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, या पहले के ज़माने में लोग काली मिट्टी को लगाते थे ताकि उसका दर्द कम हो जाए. नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम. ये आपका काम है, आपकी नोटबुक में एक हनी बी का पिक्चर बनाना है, उसको कलर करना है और उसको अपना एक पसंदीदा नाम भी आपको देना है. ये फन एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप हनी बी के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जान सकते हो, क्योंकि अगर आप हनी बी का पिक्चर बनाने जाओगे तो आपको उसका पिक्चर ठीक से देखना पड़ेगा. राइट, यू शुड हैव टू लुक एट द पिक्चर प्रॉपरली एंड देन यू विल बी एबल टू ड्रॉ दैट पिक्चर. सो ट्राई टू डू दिस. नाउ नेक्स्ट, द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेब्रुआरी. आई पुट ऑल माई फोर बॉक्सिस नियर द लीची ऑर्चार्ड. I got 12 kilogram of honey from each box. अब क्या हुआ कि लीची है उसको फरवरी में फ्लावर्स आते हैं, लीची का जो पेड़ होता है उसमें फरवरी में फ्लावर आते हैं, तो उसने उसके लीची का जो ऑर्चर्ड मतलब छोटा सा जो बगीचा था वहीं पर अपने चारों बॉक्स रख दिए, जिससे क्या हुआ कि उसको हर एक बॉक्स से 12-12 किलोग्राम हनी मिला. तो एक बॉक्स से 12 मिला तो चार बॉक्स से 48 केजी उसको हनी मिल रहा है. आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट. दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीस. नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस. वो क्या बोल रही है कि भाई इससे ये जो है वो मेरी पहली कमाई थी और इसको बाजार में बेचकर उसको जो भी पैसे मिले उसके धीरे धीरे वो बॉक्सेस खरीदती गई और ऐसे उसने 20 बॉक्स बना लिए.
वॉट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीतास 20 बॉक्स। देखो यहाँ पर आपको पता है कि एक बॉक्स का 2000 रुपीज़ है, राइट? तो 20 बॉक्स मतलब 2 2 4 और 4 0 ऊपर लगा देने हैं, 1 2 3 4, 40,000 रुपीज़। ये उसके 20 बॉक्स की टोटल कीमत है। मतलब देखो उसके पास पहले सिर्फ 5,000 रुपीज़ थे, है ना, अभी उसके पास 40,000 रुपीज़ तक के पैसे हो गए होंगे, तभी तो उसने इतने सारे बॉक्सेस खरीदे हैं, राइट? तो धीरे धीरे इसमें भी उसको अच्छे से कमाई हो रही है। नाउ एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, माई कॉलेज इज इन द टाउन 5 किलोमीटर्स अवे। वेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बीस, माई फादर लुक आफ्टर द बीस एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सिस। देखो पहले उसके पेरेंट उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे, बट एज सुन सी हैज स्टार्टेड द स्ट्रगल एंड सक्सेस ओवर देयर, देन देयर पेरेंट आर ऑल्सो गोइंग टू सपोर्ट हर। नाउ सी इज गोइंग टू कॉलेज एंड हर कॉलेज इज अबाउट हाउ मैनी, माई कॉलेज इज इन द टाउन। सो उसकी जो कॉलेज है वो एक सिटी में छोटे से गांव से, मतलब न बिग सिटी है न विलेज है, टाउन है, मतलब गांव और सिटी के बीच का प्लेस, ऐसा ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिटी और ना ही बहुत छोटा विलेज, उसको टाउन बोलते हैं। तो उसकी कॉलेज वो करीब के टाउन में है एंड इट इज़ अबाउट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर विलेज एंड सी गोइंग ओवर देयर थ्रू द साइकिल। उसके पास शायद साइकिल है कि जिसके थ्रू वो अपनी कॉलेज जा रही है। Our picture is given here. So, while she are going to college, her mother make syrup for the bees and her father look after the bees and take out honey from the boxes of the bee. So, they are also helping to her. Now, you also know a lot about Anita. तो अब आप भी अनीता के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। Over here, Anita is known by everyone in all the villages nearby. She goes to all the village meeting and talk about how important it is for everyone to study. अब क्या हुआ कि करीब के जितने भी गांव थे छोटे छोटे, उसमें सब लोग अनीता को जानने लगे और वो हर जगह गांव में मीटिंग में जाती थी और बोलती थी सबको कि भाई पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है सबके लिए। समटाइम पीपल मेक फन ऑन ऑफ हर बट अनीता नोज वॉट सी वॉन्ट्स टू डू, सी डज एग्जैक्टली वॉन्ट सी वॉन्ट्स टू, सॉरी। लेकिन वो जब सबको ऐसे समझाती थी तो कभी कभी लोग उस पर हंसते भी थे, लेकिन अनीता जानती थी कि उसको क्या करना है और वो वही करती थी जो वो करना चाहती थी। मतलब उसको पता है कि अब मुझे क्या बनना है। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट सी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। वो हनी के होल सेलर बनना चाहती थी। होल सेलर मतलब जो एक साथ बहुत ज़्यादा हनी इकट्ठा करके बहुत ज़्यादा बिग क्वांटिटी में सेल करता है, ऐसा बड़ा व्यापारी बनना चाहती थी वो। किस लिए? ताकि गांव के जो गरीब लोग हैं उनको अपने हनी का सही सही दाम मिले, क्योंकि जो होलसेलर लोग होते हैं वो पुअर लोगों से उसका जो वो लोग जो पैदा करते हैं चीज़ें, चाहे वो खाने की फसल हो या फ्रूट्स हो या ऐसा हनी हो, वो बहुत ही ज़्यादा कम दामों में खरीदते हैं और दूसरी जगह महंगे दामों में बेचते हैं। तो जो एक्चुअल ये लोग बेचारे मेहनत करते हैं उनको अपनी मेहनत का सही सही दाम नहीं मिलता है, इसलिए अनीता सोचती थी कि मैं एक हनी का होलसेलर व्यापारी बनूं। नाउ देर आर ऑल्सो सम क्वेश्चन हियर। अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट 35 रुपीज फॉर 1 किलोग्राम हनी। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन? कि भाई हनी की जो कॉस्ट है वो अनीता के वहां पर 1 केजी का 35 है।
तो आपके गांव में कितना है? तो हमारे यहाँ तो शायद उससे बहुत ही ज़्यादा होगा, आई डोंट नो, बट आई विल टेल यू लेटर, आई विल फाइंड इट आउट. मुझे तो लगता है 250 ग्राम का 35 रुपीस होगा. वॉट आर द डिफरेंट कलर ऑफ हनी दैट यू हैव सीन? आपने कौन कौन से अलग अलग कलर के हनी देखे हैं? तो मैंने तो मोस्टली टू कलर्स के हनी देखे हैं, एक डार्क ब्लैक जैसा कलर होता है और एक ब्राउनिश कलर होता है. नाउ इज हनी यूज्ड इन योर हाउस? व्हाट इज इट यूज फॉर? आपके घर में हनी का यूज होता है? तो हाँ भाई, हम मोस्टली हम सबके घर में हनी का यूज होता है और ज़्यादातर हम उसका यूज बच्चों को जब उसकी सर्दी उसको लगती है तो उसके साथ सीतोपलादी मिक्स करके रात को खिलाते हैं. फिर हनी को पानी में डालकर भी पिया जाता है वेट के लिए. फिर अगर ऐसा हनी है वो एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है, तो आपको कहीं लग जाए या कुछ हो जाए तो आप हनी को वहाँ पर लगा सकते हो. नाउ एवरी बी हाइव हैज द क्वीन बी दैट ले एग्स. दे आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव. मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज. दिस बीज वर्क ऑल डे. दे मेक्स द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज. अभी बी हाइव के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल में बताया गया है कि हर एक बी हाई मतलब मधपूड़ा जिसको आप गुजराती में बोलते हो, तो हर एक बी हाई में एक क्वीन मतलब रानी मधुमक्खी होती है और कुछ मेल, ये फीमेल है तो सामने मेल, कुछ मेल होते हैं और ज़्यादातर जो बीज होती है वो सारी की सारी वर्कर मतलब काम करने वाली बीज होती है. और ये जो वर्कर बीज होती है वो पूरा दिन काम करती है. वो ये बी हाइव बनाती है, फिर बच्चों का ख्याल रखती है, फिर दूर दूर से हनी बनाने के लिए नेक्टार फूलों का लेकर आती है. दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टार. दे कलेक्ट नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी. व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विथ नेक्टार इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टार इज. अब क्या होता है कि वो जब नेक्टार इकट्ठा करने जाती है तो हर वर्कर मधुमक्खी है वो नेक्टार के लिए घूमती रहती है. तो जब किसी को एक फ्लावर में नेक्टार मिलता है तो वो स्पेशल तरह का डांस करती है कि जिसको देखकर आजू बाजू में जो दूसरी बीज होती है उसको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पर जो फ्लावर है वहाँ पर नेक्टार है, तो सब वहाँ पहुँच जाती है नेक्टार इकट्ठा करने के लिए. द वर्कर बीज आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द हाइव. विदाउट वर्कर बीज देर वुड बी नाइदर हाइव नोर एनी नेक्टार कलेक्शन. ये जो वर्कर बी है वो बी हाइव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर वर्कर बी ही ना हो तो बी हाइव कौन बनाएगा, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, हनी बनाने के लिए नेक्टर कौन इकट्ठा करके लाएगा. मतलब अगर वर्कर बी ना हो तो मधुमक्खियाँ भी जिंदा नहीं रह सकती है. ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री. द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स. जो हाइव में जो जितनी भी मक्खियाँ होती है वो सबको भूख लगती है ना, तो इन सबको खाना चाहिए जो जिसके लिए उसको हनी चाहिए. तो ये काम भी वर्कर भी ही करती है, वही मधु इकट्ठा करती रखती है ताकि सबको खाना मिल सके. और मेल जो बीज होती है उसका वर्कर के तौर पर कुछ भी काम नहीं होता है. तो आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे. टिल दैट टाइम गुड बाय टू यू.